Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you are doing well and welcome back to a very different video. ये मैंने पहली बार try किया है, इससे पहले मैंने इसको use नहीं किया है and I'm talking about the menstrual cup. And ये मैंने first time use किया, इसको मैं काफ़ी time से use करना चाहती थी लेकिन कुछ ना कुछ you know issues हो रहे थे. पहले मेरे periods normal नहीं थे, then जो मैंने इससे पहले वाला cup लिया था उसका size थोड़ा बड़ा था, then I finally got my size and देन फाइनली मैंने इसको ट्राई किया है अब. एंड इसका मैंने लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड बिफोर दैट वी गोना डिस्कस दी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हाउ यू शुड चूज द राइट साइज फॉर यू एंड विच ब्रांड यू शुड गो फॉर एंड यूज़ करने से पहले क्या है और यूज़ करने के बाद क्या है एंड ऑल दैट होल एक्सपीरियंस आई एम गोना शेयर विद यू विद माई ऑफकोर्स ओन एक्सपीरियंस. एंड देन आई एम गोना लेट यू नो वेदर यू शुड गो फॉर दीज और वेदर यू शुड नॉट गो फॉर दीज. सो या इफ यू interested to know about my experience on this menstrual cup, then please keep on watching. And if you are new to my channel और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को एक बार हिट करके उसको ग्रे कर दें. उसके बगल में एक बेल बटन बना है उसको भी हिट कर दें सो दैट कभी कोई मेरी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ आप. और अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइज, देन कम एंड फॉलो मी देयर सो दैट यू नो आप आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहेंगे. कौन कौन से प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ एंड आगे मैं क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको वो आइडिया पहले लग जाता है. एंड ऑफकोर्स इफ़ यू वॉन्टेड टू बी little bit more cozy with me, you can come and follow me there. And now without wasting a minute, let's get started. What is menstrual cup? Menstrual cup एक funnel shape का इस तरह का silicone या rubber का बना हुआ एक इस तरह का product होता है जो आपके blood को collect करता है, आपके menstrual blood को collect करता है. And ये basically बहुत ज़्यादा economical होता है as compared to your sanitary pad, but there are some plus and minuses of this as well. How to choose right size for you and how to choose right brand for you. So गाइज बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं ये मोस्टली मेड इन चाइना और मेड इन कोरिया होते हैं, सो दैट कीप दैट थिंग इन माइंड. एंड मेड इन इंडिया अभी तक मुझे कोई मिला नहीं, मिलेगा डेफिनेटली आई एम गोना लेट यू नो. सो दिस वन इज़ फ्रॉम वॉव स्किन साइंस, ये ऑफकोर्स वॉव वालों ने मुझे भेजा था. सो दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. ये इनका फ्रीडम प्रीमियम मेंस्ट्रुअल कप विद वॉश है. इसके अंदर आपको एक मिलता है इस तरह का ये कप एंड एक मिलता है आपको ये इस तरह का वॉश इसको वॉश करने के लिए एंड एक पोटली है जिसमें आप इसको स्टोर कर सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी मेंस्ट्रुअल कप माय सजेशन टू यू इज़ आप पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार रिकमेंड कर लें, उनसे एक बार सजेशन ले लें कि कैन यू यूज़ दिस और नॉट. ओके वन शी से ओके देन यू कैन गो फॉर दिस वन. नाउ हाउ टू चूज द राइट कप साइज फॉर यू. नाउ गाइज ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है, साइज स्मॉल मीडियम एंड लार्ज. नाउ ये डिपेंड करता है आपके सर्विक्स के साइज पे, आपका फ्लो कितना है, आपकी एज कितनी है. और अगर आप एक मदर हैं 30 प्लस हैं, 30 से नीचे हैं आप लोग, या आपका वेजाइनल डिलीवरी हुआ है या सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, उस पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं. एंड इवन जो आपका फ्लो कितना है उस पे भी डिपेंड करता है. सो मेरे केस में जो इससे पहले जो ब्रांड मैंने लिया था दैट वाज़ लार्ज साइज़, ओके तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा मुझे फील हुआ बिकॉज दैट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन और मेरे से अंदर गया ही नहीं. देन आई आस्क वाओ टीम टू सेंड मी द एम साइज़ बिकॉज एल साइज स्पेशली मदर्स के लिए होता है, उन मदर्स के लिए जिनका वेजाइनल डिलीवरी हुआ होता है. नाउ माइन मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ था तो ऑफकोर्स यू नो जो वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें ऑफकोर्स बेबी वेजाइनल एरिया से निकला होता है तो जो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, इवन वहाँ कट वगैरह लगा होता है तो वो ऑफकोर्स साइज थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है. बट इन केस ऑफ सिजेरियन ऊपर कट लगता है, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, नीचे ऑल सेम जो पहले था वही है. सो फॉर दोज आई विल रिकमेंड द एम साइज़. नाउ अगेन अगर आपका फ्लो ज़्यादा होता है देन उसके लिए आपको यू नो देखना पड़ेगा कि आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आप जब तक आप देखो यूज़ नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़ कि आपको कितने टाइम के बाद इसको दोबारा से निकाल के क्लीन करके दोबारा इंसर्ट करने की ज़रूरत है. वो जब आप यूज़ करेंगे आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि कितने देर बाद आपको इसको चेंज करना है. बट ये साइज़ का आप ये सब चीज़ें पैरामीटर्स आप ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने लिए एक मेंस्ट्रुअल कप मंगवा लें. ना आपने मेंस्ट्रुअल कप मंगवा लिया ना उसको यूज़ कैसे करना है. ना गाइज आप मेंस्ट्रुअल कप को पहले ट्राई ना करें जब आपके यू नो पीरियड्स नहीं आए हैं. जब आपके पीरियड्स आए हैं आप उसी टाइम पर ट्राई करें बिकॉज होता क्या है कि जब आपके पीरियड्स नहीं आए होते हैं तो आपका जो सर्विक्स मसल्स होती हैं वो ऐसे होती हैं यू नो
मतलब इस तरह से अकड़ी हुई होती है ना, और जब आपके जो पीरियड्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स पोजीशन में होती है, तो उस टाइम पे अगर आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये इजीली चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जब आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, अब नॉर्मल डेज में इसको ट्राई कर रहे हो कि हाँ चलो पहले एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है, तब अगर आप ट्राई करोगे इसको तो ये अंदर नहीं जाएगा, एंड वो करना भी मत वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ आपने इसको यूज़ कैसे करना है ना, जब भी आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होता है एंड जब भी आपके पीरियड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके आज पीरियड्स आ गए एंड आपको अब ये यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप इसको ऑफ कोर्स इस निकालिए, एंड उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, पहले तो आप इसको इससे वॉश कर लें, कर भी सकते हो, पहले आप इसको इससे वॉश करें, एंड वॉश करने के बाद इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में इसको बॉइल कर लें। जैसे ही बॉइल हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर न्यू, फर्स्ट टाइम है, सो आप कोशिश करें कि इसको वेट करके इंसर्ट करें ताकि थोड़ा ल्यूब्रिकेशन मिल जाए। तो इसको इंसर्ट कैसे करना है ना गाइज, देर आर मैनी डिफरेंट वेज, हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है। एक तो इसका होता है इस तरह से, आप इसका लाइक दिस, आप इसका सी बना सकते हो, कैन यू सी दिस, या आप इस तरह से इसका सी बना सकते हो लाइक, बट जो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा वो है दिस पोजीशन, लाइक यहाँ से आप इसको इस तरह से अंदर की तरफ टिल्ट करेंगे एंड ये आपका इस तरह से, ये बहुत छोटी सी ओपनिंग हो जाती है। मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा बेटर फील होता है बिकॉज ये इजीली चला जाता है, बिकॉज इसका साइज़ ऑफकोर्स बहुत छोटा हो जाता है, एंड जैसे आप इसको अंदर इंसर्ट करते हैं इसको हल्का सा ट्विस्ट करें और ये ओपन हो जाएगा, एंड इसको काफ़ी अंदर तक लेके जाएं ताकि ये टेल आपकी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसको काफ़ी अच्छे से अंदर कर दें। वंस ये फिट हो जाएगा उसका, तब आराम से इसको जैसे मर्जी जो भी आप काम करते हो कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितनी देर के बाद इसको निकालें। नाउ गाइस इनिशियल में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे ना, तो साथ में एक नीचे सैनिटरी नैपकिन भी लगा लें, बिकॉज यू डोंट नो कि अच्छे से लगा है या नहीं लगा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइमर्स जो अभी नया नया लगा रहे हैं, लाइक फॉर 1 to 3 months, आई वुड से कि जब भी आप इसको लगाते हो आप नीचे पैंटी लाइनर लगा लें या जो भी आपका सैनिटरी पैड है वो लगा लें। तो कितनी देर के बाद आप इसको निकालना है ना गाइज, ये डिपेंड करता है आपके फ्लो पे अगेन, तो आप इसको 6 to 12 hours का एक टाइम होता है, आप इसको विद इन 4 or 5 hours के बाद आप एक बार चेक कर सकते हो निकाल के कि कितना ब्लड इसके अंदर है कितना नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया लग जाएगा जब आप 2-3 बार इसको यूज़ करोगे कि मेरा कितनी देर के बाद मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको विद इन 6 to 12 hours के बीच में कभी भी चेंज कर सकते हो। नाउ कम्स द पॉइंट कि इसको निकालना कैसे है ना, जब भी आपको इसको निकालना है, लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगी कि यू हैव टू सिट इन अ स्क्वाट पोजीशन, या आप ऑफ कोर्स टॉयलेट सीट पे बैठ के एंड देन इसको इस तरह से हल्का सा इस तरह से इसको प्रेस करें एंड देन इसको नीचे खींच लें, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा मेसी प्रोसेस है बट व्हाट वी कैन डू, सो थोड़ा सा इसको नीचे खींचे और ये निकल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इसको वॉश करके दोबारा से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार आपका ये हो गया, आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको इसको आफ्टर यूज़ आपको इसका केयर कैसे करना है, तो जब भी आप इसको यूज़ करके फ्री होते हैं अगेन यू हैव टू वॉश इट विद द वॉश, एंड वॉश करने के बाद अगेन आपको इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में बॉइल करना है टू स्टरलाइज दिस, एंड वंस इट्स कम्प्लीटली ड्राई देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये पोटली दे रखी है, इसमें इसको डाल के इसको बंद कर दें इस तरह से, एंड ये आपके नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो गया। नाउ नेक्स्ट जब भी आपने इसको यूज़ करना है, मेक श्योर करें कि आप इसको दोबारा से स्टरलाइज कर रहे हैं, जब जस्ट इन केस जस्ट टू मेक श्योर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशन अगर आपको रखनी है तो आप इसको दोबारा यूज़ करने से पहले भी एक बार 10 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर में स्टरलाइज कर लें, सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मेंस्ट्रुअल कप? नाउ गाइज ऑफकोर्स सबसे पहली तो इकोनॉमिकल है, सैनिटरी नैपकिन आपके बहुत ज़्यादा लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, एंड ये सिंगल आपका अराउंड 400 या 500 के आसपास आता है, एंड ये आपका आराम से 6 से 10 साल आराम से आपका ये निकाल देता है। सो आई थिंक प्राइस वाइज बहुत ही इकोनॉमिकल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिकॉज ऑफ़ कोर्स आप हर महीने आप कितने सैनिटरी नैपकिन्स लगाते हैं वो सब इस प्लेनेट पे हैं, जितने भी आपने आज तक यूज़ किए हैं, इफ़ दे आर डिस्पोजेबल देन इट्स फाइन, कॉटन के हैं देन इट्स फाइन, बट अदरवाइज अगर आपने जो भी आज तक अपनी लाइफ में
सैनिटरी नैपकिंस यूज़ किए हैं, दे आर स्टिल देयर ऑन आर अर्थ और वो अभी भी वहीं पे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं. सो यू कैन इमेजिन कि हर जिस भी लेडी ने यूज़ किए हैं तो कितना मेस हमने एनवायरनमेंट को दिया है. सो दैट्स व्हाई यू नो मैं मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करना चाहती थी फ्रॉम सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट येस नाउ फाइनली आई गॉट टाइम. नाउ आई एम गोना शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा. गाइस सो आई एम गोना ट्राई दिस नाउ. सैनिटाइज मैंने इसको कर लिया है, सो लेट मी ट्राई दिस फर्स्ट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. हे गाइस सो फाइनली इट्स इन एंड थोड़ा बहुत फील तो हो रहा है कि समथिंग इज इन साइड बिकॉज द टेल इज आउट एंड लेट्स सी. इट्स 6 PM नाउ एंड लेट्स सी मुझे कब इसको चेंज करना है, बट येस फॉर द सिक्योरिटी सेक मैंने पैड लगा लिया है, सो दैट बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम सो आई डोंट नो कि क्या है कैसे है. सो इसको थोड़ा समझने में मुझे टाइम लगेगा, सो आई डोंट नो, लेट्स सी कैसा होता है. कुछ टाइम के बाद आई विल चेक एंड देन आई विल अपडेट यू. सो गाइज क्विक अपडेट, लाइक व्हाइल आई एम सिटिंग लाइक दिस लाइक एट द 90 degree एंगल, इट्स पेनिंग इन साइड, लाइक बियरेबल है बट येस इट्स पेनिंग. ओके एंड वेन आई एम सिटिंग लाइक दिस रिलैक्स पोजिशन में बैठ रही हूँ तो कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन यू नो ऐसे बैठ रही हूँ सीधा, आई होप दे आर गेटिंग. सो अगर ऐसे सीधा बैठ रही हूँ तो पेन हो रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट इज इट. हे गाइस सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8:15, लाइक अभी मुझे सिर्फ 2 घंटे हुए हैं एंड आई कांट टेक इट एनी मोर बिकॉज मुझे पेन भी हो रहा है और बहुत गंदी सी यू नो इचिंग हो रही है, सो आई कांट टेक इट एनी मोर, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. सो या ओके गाइस सो फाइनली मैंने निकाल दिया इसको. टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत हल्की स्टेन थी पैड पे विच वॉज फाइन, लाइक ऑफकोर्स इट वॉज माई फर्स्ट डे एंड आई डोंट नो वाई यू नो मेरे को पेन एंड इरिटेशन, वो इचिंग टाइप का कुछ फील हो रहा था अंदर से, लाइक मेरे को ऐसा हो गया कि बस अब मैं और इसको नहीं रख सकती हूँ एंड फाइनली अब निकाल दिया है तो नाउ आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड. सो आई डोंट नो टुडे इज माई फर्स्ट डे, सो मैं दोबारा एक बार कल दोबारा ट्राई करूँगी, फिर देखती हूँ कैसा फील होता है बिकॉज फर्स्ट टाइम पे तो क्या ही बोलूँ मैं. हे गाइस सो day 2 एंड इट्स इन एंड नाउ लेट्स सी कि मैं इसको कितनी देर और झेल पाती हूँ. सो या फिंगर क्रॉस्ड. हे गाइस क्विक अपडेट, एक्चुअली व्हाइल आई एम वॉकिंग इट्स फाइन, लाइक जब चल रहे हैं देन इट्स एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन व्हाइल आई एम सिटिंग डाउन, चाहे वो बेड पे बैठना है या चाहे यू नो चेयर पे बैठ रही हूँ, इट्स पेनिंग, लाइक यू नो मेरे को एडजस्ट होना पड़ रहा है, अदरवाइज यू नो पेन हो रहा है. सो आई डोंट नो व्हाई इट्स, एनी वेज आई एम गोना सी कब तक मैं इसको लगा सकती हूँ एंड देन आई विल अपडेट यू. हे गाइस सो इट्स 10 PM और मैंने आफ्टरनून में इसको लगाया था एंड अब मैंने इसको रिमूव किया है एंड आज का दिन ऑलमोस्ट ठीक गया एज कम्पेयर टू यस्टरडे, बिकॉज कल तो मैं 2 घंटे भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई थी. सो एज कम्पेयर टू यस्टरडे आज का दिन थोड़ा सा ठीक है, बट वही है कि बैठ रहे हैं तो पेन हो रहा है, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन, बट स्टिल आई एम गोना गिव दिस मोर टाइम, लाइक एक बार कल दोबारा ट्राई करके देखूंगी, आई होप कल और पेन ना हो. और गाइस आपने देखा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मैं बोलूँगी, आई नो बहुत से पीपल बहुत खुश होते हैं इसको यूज़ करने के बाद, बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा यू नो पेनफुल है बिकॉज आई डोंट नो वाई, लाइक अगर मैं नॉर्मल लेटी हूँ या यू नो रिलैक्स पोजिशन में हूँ देन इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन वेन आई एम सिटिंग लाइक दिस लाइक स्ट्रेट ऐसे बैठती हूँ तो मेरे को अंदर पेन करता है ये. एंड फर्स्ट डे आपने देखा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने 2 घंटे के बाद इसको निकाल दिया. नेक्स्ट डे थोड़ा लंबा टाइम चला, थर्ड डे थोड़ा और लंबा टाइम चला, बट अगेन यू नो जो पेन है दैट्स नॉट बियरेबल, कभी कभी बियरेबल होती है लेकिन उसके बाद बियरेबल नहीं होती है. सो आई नीड टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट बिकॉज आई नीड टू चेक देयर कि क्या है, क्यों ये मेरे को पेन कर रहा है. सो इफ माई डर्मेटोलॉजिस्ट why I'm saying dermatologist, so if my gynecologist will say ki haan it's okay you can go for this it's normal then it's fine, otherwise I'm not gonna use it again. बट येस मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसको यूज़ करने से पहले आप यू नो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार सजेशन ज़रूर ले लें
अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूँ मैं तो सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी मेसी प्रोसेस, यू नो, जो कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता, लेकिन जिसके मैंने अभी तक वीडियोस देखे हैं ना, किसी ने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी मेसी। आई नो सैनिटरी नैपकिन के केस में बस वो निकाला और फेंका, उतना ही होता है, यू नो, बट इसके केस में थोड़ा सा, यू नो, व्हेन यू आर इंसर्टिंग इट, देन यू आर पुटिंग योर हैंड्स डाउन, एंड फिर जब निकालते हैं तो आपके हैंड्स पे ब्लड गिर जाता है, विच इज़ बड़ा अजीब सा लगता है। देन उसको वॉश करें, देन दोबारा डालो। सो इंसर्ट करना, निकालना, वो थोड़ा सा एक हैक्टिक प्रोसेस है, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है, थोड़ा ट्रॉमा भी फील हो सकता है आपको, बट यस, एक दो बार आप जब यूज़ करेंगे तो आपको उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। बट अगेन, इट्स अ मेसी प्रोसेस, इट्स नॉट एट ऑल अ ईजी प्रोसेस। और आप बोलो कि हाँ वेरी क्लीन, ऐसा नहीं है, निकालना दोबारा डालना, इट्स क्वाइट मेसी प्रोसेस। एंड यस, अगर आप यू नो इससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग टू बी इन साइड योर वजाइना, राइट? सो इसमें क्या रहता है कि अगर आप इसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो, लाइक फर्स्ट यूज़ के बाद आपने इसकी अच्छी केयर नहीं करी है, इसको प्रॉपरली आपने क्लीन नहीं किया है, इसको प्रॉपरली आपने सैनिटाइज नहीं किया है, और बिना सैनिटाइज करे आपने इसको यूज़ कर लिया, देन आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगे। और ऑफकोर्स चांसेस क्या, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप इसको रीयूज़ करें तो आप इसको अच्छे से स्टरलाइज करें, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। इज इट गाइस, दैट्स ऑल माय एक्सपीरियंस ऑन दिस मेंस्ट्रुअल कप। आई होप मेरे एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। देखिए, डरना नहीं है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर ये आपको सेट बैठ गया ना, तो आई स्वेयर यू आर नॉट गोना गेट बैक टू दोज सैनिटरी नैपकिन्स। एंड आई थिंक वी शुड डू दिस चेंज फॉर आर सोसाइटी एंड फॉर आर एनवायरमेंट, बिकॉज दैट्स वेरी मच नीडेड राइट नाउ। बिकॉज आपको पता है सैनिटरी नैपकिन कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, लाइक एक सिंगल सैनिटरी नैपकिन इट्स कॉस्ट अराउंड 10 or 15 rupees, तो आप लगा लो हिसाब कितना खर्चा है। सो ऑफकोर्स, अगर आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरा कैमरे की बैटरी डाई हो गई और अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसको रिचार्ज करने के लिए। सो आई वॉज सेइंग कि यू नो, अगर आप इस पर स्विच हो पाएंगे तो इट्स परफेक्ट। ये बहुत इकोनॉमिकल है एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस चेंज को कर पाएंगे देन आई वुड से इट्स परफेक्ट फॉर यू। अदरवाइज यू नो, एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको इन योर लाइफ। एंड या इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस वन, दिस वाओ वन, यू कैन परचेज दिस फ्रॉम देयर ऐप एज वेल। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उस ऐप का चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट, लाइक बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल है, बट या स्टिल यू नो, मुझे हर्ट तो हुआ, तो आई एम गोना चेक विद माई गायनेकोलॉजिस्ट, एंड जो भी कुछ अपडेट होगा आई एम गोना लेट यू नो। सो या, दैट्स ऑल अबाउट दिस, एंड दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन दिस मेंस्ट्रुअल कप। आई होप यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल, माई एक्सपीरियंस हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। I'll see you in my next video. Till then, take care and stay beautiful. Bye-bye.